आपकी होस्ट आयशा नदीम और आप देख रहे हैं मिरहा टीवी। आज मेरे साथ मौजूद है सुल्तान गोल्डन साहब जो कि आलमी रिकॉर्ड याफ्ता है और इन्होंने 37 मीटर रिवर्स जंप लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया और इतना माशाल्लाह जज्बा जोश कैसे है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर अल्लाह पाक के साथ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जब आपने ये रिकॉर्ड बनाया तो आपका क्या जज्बा था? ये जज्बा थी कि मुल्क का नाम रोशन हो, पाकिस्तान का नाम रोशन हो, इस्लाम का नाम हो, क्योंकि मोटर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं थे। मैंने मोटरसाइकिल जंप भी किया, आलमी रिकॉर्ड बनाया 1987 में, फिर 1995 में रिवर्स जंप लगाई थी और बर्निंग कार जंप किया था, फिर 2019 में मैंने जो है रिवर्स स्पीड का आलमी रिकॉर्ड बनाया 112 किलोमीटर और 119 किलोमीटर। तो मैं शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी 7 आदमियों पर मुश्तमिल बनाई थी। उस वक्त थोड़ा सा हालात ऐसे थे कि जो ये धमाके वगैरह होती थी उस वजह से वो ना हो सकी। तो अब ये रिकॉर्ड फिर मैंने उसके बाद जो है ना बना भी लिया 112 किलोमीटर में रहे। फेसबुक पे आप देख सकती हो, नाजरीन भी देख सकते हैं। तो मगर ये है कि अब जिनका रिकॉर्ड है गूगल पे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो है 89 किलोमीटर। तो रिकॉर्ड तो मेरा है मगर चूंकि गिनीज बुक वाले आए नहीं, अपने गिनीज बुक आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का नाम आएगा इंशाल्लाह। और सर वैसे ये जो बाहर वाले ममालिक है वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, कभी आपको बाहर वाले ममालिक से ऑफर हुई कि आप हमारे मुल्क में आके कुछ करें? जी, ऑफर हुई थी, वो इतफाक से एक मरतबा लास्ट वेगास में ऑफर थी $5 लाख पर जंप का, मगर वो बस अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो अग्रीमेंट ना हो सके। तो वो 5 साल का अग्रीमेंट करता था, हर महीने एक एक जंप का $5 लाख दे रहे थे। फिर उसके बाद एक हमारी अग्रीमेंट हो रही थी कुवैत के एक प्रमोटर के साथ, तो वो $4 लाख दे रहे थे एक जंप का। हालांकि उन्होंने कुवैत में जो बुलाया भी था हर किस्म के, वो कहते हैं कि अग्रीमेंट का प्रपोजल भी बनी हुई थी, वो $10 लाख एडवांस भी दे रहे थे। वो शेख मोहम्मद बिन हमदान अल नहयान, उसने कहा था कि हम आपका यहाँ भी कराएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक रिकॉर्ड अपने मुल्क में बना दूँ, बाकी 2 रिकॉर्ड वहीं पे बना लूँ। तो पहले जो डायरेक्टर जनरल साहब थे उसने तो बहुत ताउन किया था, अभी भी डायरेक्टर जनरल साहब ने तो लेटर तो लिखा था कमिश्नर साहब, मगर उस पर अभी अमल दरामद नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो आप ये भी रिकॉर्ड बना पाएंगे? इंशाल्लाह बन सकते हैं, और भी रिकॉर्ड है, मैंने बर्निंग कार रिकॉर्ड भी बनाना है, गाड़ी को आग लगा कर पहले भी मैंने ये रिकॉर्ड बनाई हुई है, मगर गिनीज बुक में किसी और का नाम है। दुनिया में सबसे पहले मैंने रिवर्स जंप भी मोटर कार का इंट्रोड्यूस कराया है, वो भी 1995 मैंने बनाई। ये सब फेसबुक और वगैरह पर मौजूद है, मगर ये गिनीज बुक को नहीं भेजा गया, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको भेज दे उसके पास। जी सर, अब जैसे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आ चुकी हैं, उनसे क्या उम्मीद है आपको? देखो, मरियम नवाज जो है अभी तो मैंने जो है उसको नकवी लिखा है और अल्लाह पाक करे कि हमारे मुल्क में बेहतरी आ जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी है और मुझे सबसे पहले इंट्रोड्यूस भी मियां नवाज शरीफ साहब ने करा है, इसमें आप सारे उसका वीडियो भी देख सकती हो और उसकी जो है ना वो तस्वीरें भी देख सकते हैं, वो सारे इधर पीछे भी लगे, मैं आपको दे भी दे देता हूँ, वीडियो भी फेसबुक पर मौजूद है। तो इस तरीके से उनको से भी मेरी ये उम्मीद है कि ये लेटर मैं उसको इंशाल्लाह लिखूँगा कि वो जो है इसके लिए वो फौरी तौर पर ऑर्डर करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे उनके वालिद साहब हर फील्ड में जो है उन्होंने काम किया, वो इस मोटर स्पोर्ट्स का बिस्तर पर रिश्ते फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू। जी नाजिन, आज हम मौजूद थे सुल्तान गोल्डन साहब के साथ जो कि एक आलमी रिकॉर्ड याफ्ता है और आगे भी मजीद बहुत से रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं अगर हुकूमत इनको सपोर्ट करे। ये कहते हैं कि आग लगी हुई गाड़ी की जंपिंग कर सकते हैं और भी बहुत से मजीद काम कर सकते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके लिए हुकूमत की मदद दरकार है तो हमारे मुल्क का नाम और मजीद रोशन हो सकता है। इसी के साथ अपने होस्ट आयशा नदीम को इजाजत दें, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।